हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर वेल डेवलप्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम में एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइलैंड, एड्रिनल एंड गोनैड्स प्रेजेंट रहते हैं। जबकि न्यूरल सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम CNS भी बोलते हैं। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, PNS, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कार्नियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और कार्नियल नर्व्स के साथ स्पाइनल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का प्रेजेंट होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। बात करते हैं ब्रेन की, तो जो फ्रॉग का ब्रेन होता है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं क्रैनियम। ब्रेन में क्या होता है, फ्रॉग के ब्रेन से 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व जो होती हैं वो निकलती हैं। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन की, तो ब्रेन जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है, एक होती है पायामीटर और दूसरी होती है ड्यूरामीटर। इन दोनों को ही मिलाकर बोलते हैं मेनिंजेस, और इनके बीच का, इन दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है डेट इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहलाता है, सब ड्यूरल स्पेस कहलाता है। दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, एक पायामीटर और दूसरी ड्यूरामीटर, इन दोनों को मिलाकर बोलेंगे मेनिंजेस, और इन दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। नेक्स्ट है ब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है फ्रॉग का। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन। अब यहाँ पर हम फिगर में देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो अपर पार्ट है डेट इज़ कॉल्ड फोर ब्रेन, ये वाला जो मिडिल पार्ट है इसको हम मिड ब्रेन बोलेंगे, और जो लास्ट का नीचे का पार्ट है डेट इज़ कॉल्ड हिंड ब्रेन, इसे हिंड ब्रेन कहेंगे। जो फोर ब्रेन है उसमें ओल्ड फैक्ट्री लोब्स प्रेजेंट होती हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर प्रेजेंट होता है, और थैलमस सेफेलॉन प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन जो है उसमें ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होंगी, सेरिब्लम प्रेजेंट होगा, लास्ट है हमारा मेडुला, सॉरी हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, हिंड ब्रेन में सेरिब्लम और मेडुला प्रेजेंट होगा, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फोर ब्रेन के बारे में जानते हैं, फोर ब्रेन में क्या है, ओल्ड फैक्ट्री लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे फिगर में देखा था। ये कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। पेयर्ड का मतलब क्या हो गया, पेयर्ड का मतलब हो गया टू इन नंबर, ठीक है। जो ओल्ड फैक्ट्री लोब्स होंगे वो कैसे प्रेजेंट होंगे, टू इन नंबर में प्रेजेंट होंगे। मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होंगे, और कैविटी, इनकी जो कैविटी है वो क्या कहलाएगी, कैविटी इज कॉल्ड राइनोसील। क्या कहलाती है, राइनोसील कहलाती है। दूसरा ऑल्फेक्शन, यानी कि इनके सूंघने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत पुअर होती है। फ्रॉग्स के अंदर ऑल्फेक्शन की क्वालिटी बहुत पुअर होती है। नेक्स्ट जो है डेट इज़ कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर भी जो है वो पेयर्ड होगा। पेयर्ड होने के साथ साथ ये कैसा होगा, लॉन्ग होगा। इसमें लेटरल वेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे। लेटरल वेंटिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जिसको पैरा सियोल्स भी कहा जाएगा। फिर आता है डाइसेफेलॉन, ठीक है, ये अनपेयर्ड होगा। अनपेयर्ड मतलब सिंगल नंबर में प्रेजेंट होगा। लोकेटेड बिहाइंड द सेरिब्रम, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेरिब्रम के पीछे प्रेजेंट होगा। कैविटी जो होगी वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी, यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी प्रेजेंट होगी, और थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, डायोसील कहा जाएगा। अब ये जो कैविटी होगी थर्ड वेंट्रिकल फ्लोर की, ये क्या करेगी, ये हाइपोथैलेमस को बनाएगी, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट करेगा।
तो ये फंक्शन भी आप याद रखिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है फ्रॉग के ब्रेन का, और इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं कि इसमें ऑप्टिक लोब्स का एक पेयर प्रेजेंट रहता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। इसमें जो डक्ट प्रेजेंट होती है वो कहलाती है आइटर। जो भी डक्ट मिड ब्रेन में प्रेजेंट होगी डेट इज़ कॉल्ड आइटर। और इनका काम क्या होता है, ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करती हैं। फंक्शन की बात करें तो मिड ब्रेन जो होता है वो स्पाइनल रिफ्लेक्शन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक सेरिब्लम इंक्लूड करता है और एक मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। तो सेरिब्लम के बारे में देखते हैं। सेरिब्लम जो होती है बहुत छोटी सी ट्रांसवर्स सॉलिड बैंड होता है, और ये बहुत ही पुअरली डेवलप्ड बैंड होता है। प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये ऑप्टिक लोब्स के पीछे प्रेजेंट रहेगा। फंक्शन क्या है सेरिब्लम का, सेरिब्लम का फंक्शन होता है वेस्टिबुलो ऑक्यूलो मोटर सिस्टम को रेगुलेट करना, यानी कि जो आईज होते हैं इनके मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा की। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होते हैं वो शॉर्ट एंड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैविटी फोर्थ वेंट्रिकल कहलाती है या फिर मेटास्योल कहलाती है। क्रेनियल नर्व्स यहाँ से अराइज होती हैं द साइड ऑफ मेडुला कंटिन्यूस, जो कि ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये बाद में कनेक्ट रहती हैं, कंटिन्यूस करती हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ। मेडुला जो होता है वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे कि हार्ट बीट, मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पिरेशन। इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिनको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, शॉर्ट होगी, थिक होगी, सिलेंड्रिकल होता है और वाइट कलर का होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी दो मेनिंजेस से ढका हुआ होता है, और दोनों मेनिंजेस के नाम क्या है, पायामीटर एंड ड्यूरामीटर। ठीक है, जैसे कि ब्रेन है वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में भी दो मेनिंजेस प्रेजेंट होंगी, फर्स्ट वन इज पायामीटर एंड सेकेंड वन इज ड्यूरामीटर। यहाँ पे दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ ही चलते रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में एक आउटर वाइट मैटर होता है और एक ग्रे वाइट मैटर होता है। स्पाइनल कॉर्ड में आउटर वाइट मैटर प्रेजेंट होता है जो कि मेनली कंपोज करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली कंपोज मेनली नर्व फाइबर्स, ये नर्व फाइबर्स को बनाने में हेल्प करता है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है इनर ग्रे मैटर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे है इनर ग्रे मैटर। जो इनर ग्रे मैटर होता है ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये लार्जली क्या करता है, जो नर्व सेल्स होते हैं नर्व सेल्स का बना हुआ होता है। ग्रे वाइट मैटर बड़ी नर्व सेल्स का बना हुआ होता है, और चीफली इनका फंक्शन की बात करें तो चीफली कंसर्न विद द रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स एक्शंस के साथ ही फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं वो 10 पेयर्स में प्रेजेंट होती है, स्पाइनल नर्व्स 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। अगर रेना टिग्रिना की बात करें, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो रेना टिग्रिना में 9 पेयर स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होंगी और 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। तो ये हो गया हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है पार्ट्स ऑफ बॉडी को, लाइक हार्ट, लंग्स एंड इंटेस्टाइन। नर्व टाइप, इसमें दो तरीके की नर्व्स पाई जाती हैं, एक होती है सिंपैथेटिक नर्व और दूसरी होती है पैरासिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो रेट ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गन को बढ़ा देती है, और सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो रेट ऑफ ऑटोनोमस ऑर्गन्स को कम कर देती है। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग का। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।